close till I get up. Time is barely on us. Hello friends and my dear students, welcome back to my YouTube channel. Friends, आज हम लोग पढ़ेंगे either, neither, anyone और none का use. तो आइए शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले either और neither. Either का जो use होता है वो दो में से कोई एक के लिए use होता है. Either का use कब करते हैं हम लोग? दो में से कोई एक के लिए. और neither का use करते हैं दो में से किसी भी एक के लिए नहीं. ठीक है, neither का use हम करते हैं. यहाँ पे जो मैंने लिखा हो उसको समझे. either का प्रयोग करेंगे दोनों में से कोई एक के लिए, neither का प्रयोग करेंगे दोनों में से कोई भी नहीं. यानी either पॉजिटिव सेंस में और neither नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है. देखिए अब, either of these two pens is blue. either of these two pens is blue. इन दो पेनों में से कोई एक नीला है. इन दो पेनों में से कोई एक नीला है. तो यहाँ पे कोई एक आइदर का यूज करते हैं दो में से कोई एक के लिए. तो इन दो पेनों में से कोई एक नीला है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज रिसीव्ड हर गिफ्ट. इन दो लड़कियों में से किसी एक को गिफ्ट उसका गिफ्ट मिला है, या इन दो लड़कियों में से किसी एक ने अपना गिफ्ट प्राप्त किया है. तो यहाँ पे दो में से एक की बात हुई इसलिए हमने आइदर का यूज किया. नेक्स्ट देखिए, आइदर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट. दो विद्यार्थियों में से कोई एक इंटेलिजेंट है. दो विद्यार्थियों में से कोई एक इंटेलिजेंट है. और देखिए, आइदर बुक इज गुड. दो बुक्स में से यानी दो किताबों में से दो पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक अच्छी है. तो आइदर का मतलब मेन जो आपको समझाने की अपेक्षा है कि दो में से कोई एक के लिए हम लोग आइदर का यूज करते हैं. नेक्स्ट देखिए, आइदर रोड विल गो टू दिल्ली. इन दो सड़कों में से कोई एक सड़क दिल्ली की तरफ जाएगी या दिल्ली जाएगी. और देखिए, आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड. आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड. इन दो लड़कों में से या दो लड़कों में से कोई एक लड़का सड़क पार करने के लिए तैयार है. दो लड़कों में से कोई एक लड़का सड़क पार करने के लिए तैयार है. यहाँ पे टू लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको ये लगाना है कि आइदर का प्रयोग दो के बीच में, दो में से कोई एक के लिए यूज करें, इसलिए मैं इनमें बार बार दो बोल रहा हूँ. ठीक है, अब देखिए नाइदर का यूज़ हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंस में, नहीं का भाव दर्शाने के लिए. आइदर का यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में, यानी दो में से कोई एक के लिए. नाइदर का यूज़ करते हैं दोनों में से कोई भी नहीं के अर्थ में, यानी नेगेटिव सेंस में. तो नाइदर, एग्जाम्पल देखिए, नाइदर बॉय हैज़ ए पेन. इन दो लड़कों में से या दो लड़कों में से किसी के भी पास पेन नहीं है. तो नेगेटिव सेंस आया, नहीं का भाव आया. दो लड़कों में से किसी के भी पास में पेन नहीं है, यानी दोनों में से कोई भी नहीं के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नाइदर का यूज़ करते हैं. नाइदर रोड वाज गुड. इन दो सड़कों में से या दो सड़कों में से कोई भी सड़क अच्छी नहीं थी. दो सड़कों में से कोई भी सड़क अच्छी नहीं थी. तो नेगेटिव सेंस हमने यूज़ किया नाइदर का. और देखिए, नाइदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर. तुम दोनों में से इस साल कोई भी पास नहीं होगा. यानी दो का भाव आना चाहिए और दो में से कोई भी नहीं के लिए हम लोग नाइदर का यूज़ करते हैं. नाइदर बुक इज़ यूजफुल. इन दोनों किताबों में से, दोनों पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक उपयोगी नहीं है. नाइदर बुक इज, इनमें देखिए नॉट नहीं आ रहा, लेकिन नाइदर में नॉट छुपा हुआ है. फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग होगा. नाइदर बुक इज यूजफुल. इन दो पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक उपयोगी नहीं है. और देखिए, नाइदर डे इज गुड फॉर मी. दो दिनों में से कोई भी दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है. दो दिनों में से कोई भी दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है. तो नाइदर का यूज़ किया. नाइदर ऑफ द सेक्रेटरीज न्यू वेयर द बॉस हैड गॉन. नाइदर ऑफ द सेक्रेटरीज, यानी सेक्रेटरीज यानी सचिवों में से किसी को भी ये पता नहीं है. सेक्रेटरी यानी सचिवों में से किसी को भी ये पता नहीं है कि उनका बॉस कहाँ गया था. उनका बॉस कहाँ गया था, हेड का यूज़ हुआ, इसलिए मैं गया था बोलूँगा. तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? नाइदर का. इन सब सेंटेंस में आपने देखा कि नॉट का यूज़ मैंने नहीं का भाव दर्शाया, क्योंकि यहाँ ये क्या है, नाइदर नेगेटिव सेंस को शो करता है. फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, आइदर का यूज़ दो में से कोई एक के लिए,
और नाइदर का यूज दोनों में से कोई भी नहीं। इससे देखिए एनी या एनी वन का यूज, एनी का यूज आपने सम के साथ में पढ़ लिया था, एनी वन का सम। देखिए यहाँ पे एनी वन का यूज होता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के लिए। ठीक है, आइदर में और इसमें एनी वन में क्या डिफरेंस है? आइदर का यूज हम लोग करते हैं दो में से कोई एक के लिए, जबकि एनी वन का यूज करते हैं दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई एक के लिए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए एनी वन ऑफ दीज थ्री बॉयज कैन डू दिस सम, एनी वन ऑफ दीज थ्री बॉयज कैन डू दिस सम, इन तीन लड़कों में से कोई एक इस सवाल को कर सकता है, इन तीन लड़कों में से कोई एक इस सवाल को कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए तीन में से एक है, दो से ज्यादा हो गई संख्या, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एनी वन का यूज करेंगे। अब नन देखिए, यानी आइदर और एनी वन और नाइदर और नन। देखिए नाइदर का यूज आपने कहाँ किया था? दोनों में से कोई भी नहीं। अब नन का यूज होता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं, यानी संख्या ज्यादा हो जाती है। एनी वन के और नन के यूज में क्या है? दो से ज्यादा संख्या हो जाती है। तो जैसे देखिए नन ऑफ दीज फाइव स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, लेबोरियस यानी होता है परिश्रमी, मेहनती। नन ऑफ दीज फाइव स्टूडेंट्स इज लेबोरियस यानी परिश्रमी। तो इन पांच लड़कों में से कोई भी लड़का परिश्रमी नहीं है, इन पांच लड़कों में से कोई भी लड़का परिश्रमी नहीं है। नन का जो हम लोग नन किसको शो करता है? नन शो करता है नेगेटिव सेंस को, यानी नहीं के भाव को। यानी फिर से मैं बता रहा हूँ, आइदर और एनी वन, नाइदर और नन। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन्स में। आइदर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? आइदर का यूज करेंगे दो व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई एक के लिए। तो एनी वन का कहाँ करेंगे? एनी वन का यूज करेंगे दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के लिए। अच्छा, नेगेटिव सेंस में आप क्या करेंगे? नाइदर का यूज करेंगे दो व्यक्ति वस्तुओं में से कोई भी नहीं के लिए। और नन का यूज कहाँ करेंगे? नन का यूज करेंगे दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं के लिए। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, आइदर और एनी वन, आइदर का यूज पॉजिटिव अर्थ में होता है और एनी वन का यूज भी पॉजिटिव अर्थ में होता है। लेकिन आइदर का प्रयोग दो व्यक्ति वस्तुओं के लिए, एनी वन का यूज दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए। ठीक है, नाइदर का यूज नेगेटिव अर्थ में होता है, यानी नहीं के लिए, दो व्यक्ति वस्तुओं में से किसी के लिए भी नहीं। और नन का प्रयोग क्या होता है? दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं में से कोई भी नहीं। तो इस तरीके से हम लोग आइदर, नाइदर, एनी वन और नन का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज के ये चारों का जो यूज है वो समझ में आया होगा। यदि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू।